असलमेकम क्लास माय नेम इज़ मोहम्मद उस्मान एंड रजिस्ट्रेशन नंबर इज़ फोर्टीन माय टॉपिक इज़ डेटा लोकलाइजेशन डिस्ट्रीब्यूटेड क्यूरी सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूटेड क्यूरी को देखेंगे ये क्या होती है आ डिस्ट्रीब्यूटेड क्यूरी इज सिंपली मीन्स टू डिवाइड अ अन् टू डिफरेंट पार्ट्स डिस्ट्रीब्यूटेड क्यूरी को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करने को डिस्ट्रीब्यूटेड क्यूरी कहते हैं इन अदर वर्ड्स टू डिस्ट्रीब्यूट दूसरे अल्फाज में डिस्ट्रीब्यूट करना क्यूरी को इनटू डिफरेंट फ्रैगमेंट्स डिफरेंट फ्रैगमेंट्स फ्रैगमेंट्स क्या होता है फ्रैगमेंट्स ये होता है कि छोटे छोटे हिस्सों में या छोटे छोटे चंक्स फ्रैगमेंट्स कहते हैं इसको है कि डिस्ट्रीब्यूट करना डिवाइड करना किसी भी चीज़ को इस डाटा बेस में हम डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा बेस में हम क्यूरी को फ्रैगमेंट्स की शक्ल में डिवाइड करते हैं और डिफरेंट साइड पे इसको स्टोर करवाते हैं इन स्टैंडर्ड वे अगर हम स्टैंडर्ड वे की बात करें तो मेन क्यूरी इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड बाय इनटू सब पार्ट्स जो मेन क्यूरी है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं की जाती है सब पार्ट्स में सब पार्ट्स बना के लोकलाइजेशन ऑफ डाटा लोकलाइजेशन ऑफ डाटा क्या होता है आउटपुट ऑफ द फर्स्ट लेयर जो आउटपुट होती है फर्स्ट लेयर की उसे हम एल्जेब्रिक क्यूरी कहते हैं इज़ एन एलजेब्रिक क्यूरी ऑन डिस्ट्रीब्यूशन रिलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड रिलेशन में और ज, जो आउटपुट होती है ना फर्स्ट लेयर की उसे हम दूसरी लेयर में इनपुट के लिए इस्तेमाल करते हैं विच इज़ इनपुट टू द सेकेंड लेयर जैसा कि इसमें बताया गया द मेन रोल ऑफ दिस लेयर इज़ टू लोकलाइज जो इसका मेन रोल होता है मतलब जो इस, आ, 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 इसका मत, मकसद होता है लोकलाइज करना क्यूरिज डाटा को यूजिंग डाटा डिस्ट्रीब्यूशन इन्फॉमेशन डाटा डिस्ट्रीब्यूशन इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हमें डाटा uh, uh, को लोकलाइज करते हैं ईच फ्रैगमेंट इज़ स्टोर एट डिफरेंट साइड यही वैस जो, uh, जो मैंने पहले बताया कि जो फ्रैगमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट साइड्स पे हम स्टोर करवाते हैं फ्रेगमेंट्स जंक्स की सूरत में मतलब छोटे छोटे हिस्सों की सूरत में डेटा uh, को रखते हैं लोकलाइजेशन ऑफ डाटा दिस लेयर इज़ डिटरमाइंड ये लेयर डिटर्माइंड करती है मतलब बयान करती है विच फ्रेगमेंट्स आर इन्वॉल्व कि कौन कौन से फ्रेगमेंट्स उस क्यूरी में इन्वॉल्व हैं जो हम ट्रांसफॉर्म करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड क्यूरी को फ्रेगमेंट क्यूरी में मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटेड क्यूरी को हम फ्रैगमेंट क्यूरी में ट्रांसफॉर्म करते हैं कौन कौन से फ्रैगमेंट्स यूज किए जाते हैं बिकॉज फ्रेगमेंट्स आर स्टोर्ड इन डिफरेंट साइड क्योंकि फ्रैगमेंट्स डिफरेंट साइड पर स्टोर किए होते हैं तो हम उन्हें यूज़ करके डाटा को लोकलाइज करते हैं फ्रैगमेंट क्यूरी बनाते हैं उसे ग्लोबल क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन द इनपुट टू द थर्ड लेयर जो थर्ड लेयर की इनपुट होती है इज़ अ फ्रेगमेंट एलजब्रिक उसे फ्रेगमेंट एल्जब्रिक कहते हैं द गोल ऑफ दिस इसका मकसद इज़ टू फाइंड एन एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजी इसका असल मकसद ये होता है कि हमें एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजी या प्रोसेस को फाइंड uh, करना होता है कि कैसे करें फाइंडिंग द बेस्ट ऑर्डरिंग ऑफ़ ऑपरेशन इन द फ्रेगमेंट क्यूरी फ्रेगमेंट क्यूरी के लिए बेस्ट ऑपरेशन जो होते हैं ऑर्डरिंग में वो हमें फ़ाइंड करने होते हैं ग्लोबल क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए फ़ाइंडिंग द बेस्ट कम्युनिकेशन ऑपरेशन विच मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ फंक्शन ऐसे कम्युनिकेशन ऑपरेटर्स या रिसोर्स फ़ाइंड करना जो इसकी कॉस्ट ऑफ फंक्शन को कम से कम करें इसको कहते हैं इसके बाद आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड एग्जीक्यूशन ये लास्ट लेयर है दिस लास्ट लेयर इज़ परफॉर्म्ड बाय आल साइट्स ये लास्ट लेयर uh, मतलब हर साइड uh, से फ्रैगमेंट्स इन्वॉल्व uh, होते हैं इस क्यूरी में और वो इसे परफॉर्म करते हैं ईच सब क्यूरी ईच सब क्यू सब क्यूरी क्या होती है सब क्यूरी ये होती है कि जो क्यूरी होती है ना उसके आगे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं फ्रैगमेंट्स uh, को जिसको हम कहते हैं और इसको लोकल क्यूरी भी कहते हैं कार्डा लोकल क्यूरी सब क्यूरी इसको कहते हैं इज एग्जीक्यूशन एट वन साइड ही एक साइड पे मतलब एग्जीक्यूट होती है इट इज़ देन ऑप्टिमाइज यूजिंग द लोकल स्कीम ऑफ साइट ये मतलब बताया था कि जो फ्रेगमेंट के पार्ट्स जो फ्रेगमेंट्स हमने डिवाइड किए होते हैं क्यूरी के डिफरेंट साइड पर तो ये सब क्यूरी लोकल क्यूरी कहलाती है और ये उस एक साइड पे मतलब एक फ्रेगमेंट एग्जीक्यूट होता है Thank you.